कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी शनिवार को गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने यहां उन बच्चों के घर वालों से मुलाकात की जिनकी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जिंदगी छिन गई थी। उनके साथ प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी मौजूद रहे। इससे पहले आदित्यनाथ योगी भी शनिवार को गोरखपुर पहुंचे और यहां भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ यूपी स्वस्थ यूपी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले गोरखपुर को पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं। इस पर राहुल ने कहा कि शाम को सारी बातों का जवाब दूंगा। आपको बता दें कि गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में बीते दिनों 30 बच्चों समेत 60 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चली गई थी। गोरखपुर एयरपोर्ट में राहुल ग्राम बाघाखाड़ा में पीड़ित ब्रह्मदेव यादव के यहाँ पहुंचे। यहाँ से वे ग्राम मलाव में नितेश शुक्ला, बांसगांव में ग्राम बसौली खुर्द में रमा शंकर और खजनी के ग्राम खुटौनी में जितेंद्र के घर जाकर संवेदना प्रकट करेंगे। शाम 5 बजे वे मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे जहां डॉक्टरों से भी बात करने का उनका प्रोग्राम है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि योगी गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं लेकिन उन्होंने बीआरडी हॉस्पिटल के लिए कुछ भी नहीं किया। इससे पहले भी कांग्रेस का एक डेलीगेशन दिल्ली से गोरखपुर गया था जिसमें पार्टी के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह और राज बब्बर भी शामिल थे। इन नेताओं ने हॉस्पिटल में बच्चों की मौत के लिए सीधे तौर पर योगी सरकार पर सवाल उठाया था, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से भी इस्तीफा मांगा था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।